का या नो निश्चय किया है, जैसे खनन में टॉप के व्यक्ति पे लगा एनएसए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश की, यमुना में बांध बनाया उन्होंने, उसी तरह से पहले हम स्टडी कर लें, क्योंकि ये बड़ा डिस्क्रीट यूज है एनएसए का। एनएसए बड़ा सिलेक्टिव और मेरिट पे ही लगना चाहिए। गैंगस्टर तो सभी पे लग रहा है, 52 पे गैंगस्टर की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद यदि लगा कि लोग जानबूझ के पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर का डिस्टर्ब हुआ, आपने 1000 लोगों को बेचा है और ऐसी जगह बेची है जो कि बनाई नहीं जा सकती, और यदि उसमें कोई एक्शन होगा तो त्राई त्राई मचेगी, लोग चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जहां बेची नहीं जा सकती थी वहां पे आप प्लॉट बना के बेचे हैं। ऐसे में पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, लीगली एग्जामिन करके उसके बाद इनमें एनएसए भी लगेगा जो टॉप का है।